जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत को रिसीव हुई पहली 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स। BSF खरीदने जा रही है हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन्स। एडिशनल स्विच UAVs के लिए इंडियन आर्मी ने आईडीएफ फोर्स के साथ साइन किया एक और कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन आर्मी के नए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर और ईस्टर्न आर्मी कमांडर हुए अपॉइंट। और मैरीटाइम थिएटर कमांड को लेकर इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी हाई लेवल मीटिंग। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रशिया के बीच साइंड हुई AK-203 असॉल्ट राइफल्स वाली डील के हिस्से के तौर पर रशिया की तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स के पहले बैच को डिलीवर कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से बताया गया है कि जो 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स का पहला बैच भारत को दिया गया है तो संभावना है कि इसको इस्तेमाल के लिए इंडियन एयरफोर्स के ट्रूप्स को दिया जाएगा। और जो 6,00,000 से भी अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल्स भारत में ही अमेठी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, तो वो राइफल्स इंडियन आर्मी को डिलीवर की जाएंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में DRDO की तरफ से LCA तेजस के एक प्रमोशनल वीडियो को जारी किया गया था। और इसी वीडियो में पहली बार भारत की स्वदेशी उत्तम AESA रडार तेजस फाइटर में इंस्टॉल हुई दिखाई दी है। हालांकि ऑब्वियसली बात है कि इस वीडियो में जो तेजस फाइटर उत्तम AESA रडार के साथ दिख रहा है तो वो एक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाला तेजस होगा, जो कि एक तरीके से टेस्ट बेड की तरह इस्तेमाल हो रहा होगा। और इस वीडियो में केवल उत्तम AESA रडार ही नहीं बल्कि LCA तेजस अस्त्र मिसाइल के साथ भी दिखाई दिया है। और बाकी हम आपको ये बताना चाहेंगे कि DRDO की इस 1 मिनट 7 सेकंड की वीडियो में LCA तेजस के जितने भी स्वदेशी हथियार और इक्विपमेंट को दिखाया गया है उन सभी पर हम एक डिटेल वीडियो बहुत ही जल्द रिलीज करने वाले हैं। तो अगर आप इस LCA तेजस वाली वीडियो को जल्द से जल्द चाहते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर इस वीडियो पर 20,000 लाइक्स आते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस वीडियो को पब्लिश करें। गृह मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही BSF के लिए हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन्स को लिया जाएगा, जो कि सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन्स को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने से रोकने में मददगार साबित होगी। और ऑफिशियल का कहना है कि इन एंटी ड्रोन गन्स के लिए BSF ने ड्राफ्ट क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स यानी कि QRS को फॉरवर्ड किया है और इस मामले पर अपनी अपनी राय देने के लिए सभी वेंडर्स और पॉसिबल मैन्युफैक्चरर्स को इन्वाइट किया गया है, और जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि BSF जिन हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन्स को खरीदना चाहती है तो मार्केट में उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है। वैसे आपको बता दें कि मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन्स मौजूद हैं, लेकिन BSF को जिस तरह की एंटी ड्रोन गन चाहिए तो उसमें कम से कम 2500 मीटर की दूरी से ही किसी भी UAV जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फिर स्वार्म ड्रोन्स को भी न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और इस गन में इस तरह की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो UAV जैसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उसके रेडियो और GPS लिंक्स को जैम करके उसे अपने ऑपरेशन वाली जगह पर फोर्सफुली लैंड कराने में सक्षम हो, और ये सब उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते ही 10 सेकंड के अंदर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि BSF को ऐसी एंटी ड्रोन गन्स चाहिए जो दुश्मन के ड्रोन को हार्ड किल कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके हवा में डिस्ट्रॉय ना करे, बल्कि वो उसके सिग्नल्स को जैम करके फोर्सफुली अपने ऑपरेशन वाली जगह पर उसे लैंड करा सके। और जबकि इस खरीद को लेकर BSF के एक सीनियर ऑफिशियल का कहना था कि हम पूरी सीमा को एंटी ड्रोन डिवाइसेस के साथ कवर नहीं कर सकते हैं और इसलिए हमें इस तरह के हैंडहेल्ड एंटी ड्रोन गन्स की जरूरत है जो कि हमारी पेट्रोलिंग टीम के साथ हमेशा रहेगी और जिसका इस्तेमाल करके BSF की पेट्रोलिंग टीम तुरंत ही ड्रोन को डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। और बाकी एंटी ड्रोन गन्स इंडियन वेंडर से ही खरीदी जाएंगी या फिर बाहर की किसी कंट्री से, तो इसके बारे में फिलहाल अभी कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। और बाकी आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, गणतंत्र दिवस के खास अवसर पर हमारी सारी ई मैगजीन्स पर हैवी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है और जिसके तहत आज से लेकर 26 जनवरी तक अगर आप हमारी कोई भी ई मैगजीन बाय करते हैं तो वो आपको मात्र 11 रुपए में मिलेगी। तो अगर आप किसी वजह से पुराने वाले महीनों की हमारी ई मैगजीन बाय नहीं कर पाए हैं तो अभी आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और हमारी किसी भी महीने की कोई भी ई मैगजीन आप मात्र 11 रुपए में हासिल कर सकते हैं। और हमारी ई मैगजीन को खरीदने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि ये ई मैगजीन है जो आपको PDF की फॉर्म में मिलती है ताकि आप इसे अपने मोबाइल डिवाइस की मदद से कहीं भी और कभी भी पढ़ सकें। इंडियन आर्मी ने ड्रोन सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने वाली भारत के आईडिया फोर्ज के साथ स्विच 1.0 UAVs को खरीदने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और आपको बता दें कि जो ये स्विच 1.0 UAV है ये आईडिया फोर्ज द्वारा बनाए गए UAVs का हाई एल्टीट्यूड वेरियंट है और इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी द्वारा मुख्य रूप से LAC पर निगरानी रखने के लिए किया जाएगा। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि इंडियन आर्मी आईडिया फोर्स से कितनी संख्या में इन UAVs को खरीद रही है, लेकिन आपको रिमाइंड करा दें कि पिछले साल भी इंडियन आर्मी ने आईडिया फोर्स के साथ इन स्विच UAVs के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इस बार भी वही सेम UAV लिया जा रहा है जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में लिया गया है। और आईडिया फोर्स की तरफ से भी बताया गया है कि जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट था तो उसे उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा कर दिया था।
और इंडियन आर्मी की तरफ से इन स्वदेशी स्विच यूएवीएस का एक नया ऑर्डर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल वाले उद्देश्य के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है। और बाकी आपको इस स्विच यूएवी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जैसे कि इसका जो एंड्योरेंस टाइम है वो करीब 120 मिनट का है। इसे 4000 मीटर के मैक्सिमम एल्टीट्यूड से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसे 1000 मीटर तक के मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक ऑपरेट भी किया जा सकता है। इसकी रेंज है करीब 15 किलोमीटर और इस पे दिन और रात किसी भी तरह की स्थिति में सर्विलेंस करने के पर्पज से दोनों ही तरह के पेलोड लगाए गए हैं। और बाकी ये एक फिक्स विंग टाइप का यूएवी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि ईरान के बेहद ही महत्वपूर्ण चाबहार पोर्ट तक पहुंचने के लिए भारत ने तीसरे रूट को खोज लिया है और इसके माध्यम से अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने में आसानी होगी। और इसी के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से न्यावा शेवा और कांडला के बीच एक सीधा कंटेनर शिपिंग रूट स्थापित किया गया है और इस रूट के जरिए पहली कंटेनर सेवा 16 फरवरी को ईरान के शाहिद बहेसी पोर्ट में प्रवेश करेगी। और चाबहार पोर्ट के जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक आसानी से पहुंच सकता है। और जबकि अब एक तरीके से देखा जाए तो अफगानिस्तान को भी समुद्र का एक्सेस मिल गया है। रिपब्लिक डे के खास अवसर पर भारत के 6 वीरों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा और इनमें से 5 वीर वो हैं जिन्हें ये थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा। और हमारे इन वीरों में नायब सूबेदार सृजीत एम, हवलदार अनिल कुमार तोमर, हवलदार काशी राय बामनअली, हवलदार पिंकू कुमार और सिपाही एमजे कुमार रेड्डी शामिल हैं। और जबकि इन 5 वीरों के अलावा 5 असम राइफल्स के राइफलमैन राकेश शर्मा को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। शौर्य चक्र के अलावा इस बार रिपब्लिक डे के दौरान इंडियन आर्मी के 19 वीरों को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें नॉर्दर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, सदर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल जयसिंह नैन, भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि DIA के DG लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह ढिल्लन। और हमें पता है कि आपको वो सुनहरे शब्द भी अभी याद आ गए होंगे जो कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह ढिल्लन सर ने कहे हैं। और वो क्या है? कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। और उनके ये सुनहरे शब्द हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और बाकी सुनहरे से याद आया, भारत के गोल्डन बॉय सूबेदार नीरज चोपड़ा को भी परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इस बार रिपब्लिक डे परेड में उत्तम युद्ध सेवा मेडल से इंडियन आर्मी के 4 वीरों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, 4 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल रविन खोसला, 3 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू और 14 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल PG के मैनन शामिल हैं। और जबकि इस बार इंडियन आर्मी के करीब 33 वीरों को अति विशिष्ट सेवा मेडल, 84 को सेना मेडल, 77 यानी कि 77 को विशिष्ट सेवा मेडल और 44 को मेंशन एंड डिस्पैचेस से भी सम्मानित किया जाएगा। और जो 44 मेंशन एंड डिस्पैचेस दिए जाने हैं ये हमारे वो पर्सनल हैं जो ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन हिफाजत, ऑपरेशन रेस्क्यू, ऑपरेशन ऑर्चिड और ऐसे ही कई अलग अलग ऑपरेशंस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। और जबकि इस बार इंडियन नेवी के भी 3 पर्सनल को परम विशिष्ट सेवा मेडल, 7 को अति विशिष्ट सेवा मेडल, 8 को नौसेना मेडल और करीब 16 वीरों को विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जाएगा। और जबकि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सद्भावना में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए लेह एयरबेस के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर ग्रुप कैप्टन अजय राठी को भी वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। और जबकि इस बार CRPF के भी 36 वीरों को गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया जाना है और जिनमें से 6 वीरों को तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा और जबकि बाकी के 30 वीरों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। और जबकि इस बार टोटल 939 पुलिस पर्सनल को सम्मानित किया जाना है, जिनमें से 189 को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और इन 189 में से 115 तो जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स से हैं, 30 CRPF से, 3 ITBP से, 2 BSF से, 3 SSB से, 10 छत्तीसगढ़ पुलिस से, 9 ओडिशा पुलिस और 7 महाराष्ट्र पुलिस से। और इतना ही नहीं बल्कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री कमांडर जनरल बिपिन रावत सर को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इंडियन आर्मी के नए नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। और जबकि इनके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता को इंडियन आर्मी के नए ईस्टर्न आर्मी कमांडर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक जॉइंट टीम ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नगर नाला दुल वाले एरिया से करीब 1.3 किलोग्राम तक का कॉमर्शियल ग्रेड का एक्सप्लोजिव रिकवर किया है। और जो एक्सप्लोजिव है इसे कल 24 जनवरी को रिकवर किया गया था और इसी दौरान कॉमर्शियल ग्रेड एक्सप्लोजिव्स की 11 स्टिक्स, एक डेटोनेटर और एक डेटोनेटिंग वायर भी रिकवर हुई है। और जबकि आज श्रीनगर में ग्रेनेड से हमला करने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। ये जो हमला है ये श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर हुआ था और इस दौरान कुछ सिविलियंस और एक पुलिस पर्सनल के घायल होने की रिपोर्ट है। और फिलहाल अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। और इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि इंडियन नेवी ने इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मैरिटाइम थिएटर कमांड को लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग कंडक्ट करी है
और ये मीटिंग पिछले सप्ताह गुरुवार को आयोजित की गई थी। और बाकी जाते जाते आज आपको एक और जोक सुनाते हुए जाते हैं। अगर पसंद आए तो आपको बताइए कि आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर पसंद ना आए तो भी लाइक करना है। और वो जोक ये है कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद की तरफ से अब ये भी कहा गया है कि भारत की जो खुफिया एजेंसी रा है वो पाकिस्तान की शांति को भंग करने के लिए अब पाकिस्तान के लोकल क्रिमिनल्स को भी पैसे दे रही है। खैर बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 2021 में इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा ने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आज का ही वो दिन है जब 2017 में जम्मू कश्मीर के गुरेज और सोनमर्ग में आए एवलॉन्च में हमने अपने 15 वीरों को खोया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।